हाय गुड इवनिंग एवरीवन। इंडिया वॉइस फेस्ट की आखिरी शाम, इंडिया वॉइस फेस्ट 2021 का ग्रैंड फिनाले। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे दिग्गज जो अब हमारे साथ नहीं हैं, उनकी याद को ताज़ा किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो शायद उनके बारे में उतना नहीं जानती जितना उन्हें जानना चाहिए, उस पीढ़ी को इन महान कलाकारों से रूबरू कराया जाए, इनके काम से रूबरू कराया जाए एक तरीके से। क्योंकि ये कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं, पर इनका काम, इनकी कला और इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और इंडिया वॉइस फेस्ट का ये संकल्प हमेशा रहा है कि ये मंच सभी का है, चाहे वो एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हो, चाहे इंडस्ट्री का दिग्गज कलाकार हो, या फिर वो कलाकार जो आज अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है। आज हम एक ऐसे कलाकार की यादों को ताज़ा करने वाले हैं, एक ऐसे कलाकार का सम्मान करने वाले हैं जो अपने ज़माने में ब्रॉडकास्टिंग की इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रह चुके थे, श्री किशन भूटानी। आई थिंक 80s और 90s की और अर्ली 2000 में भी जो जनरेशन रेडियो सुनती थी, जो रेडियो कमर्शियल्स और ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा रही है, वो किशन भूटानी के नाम को नहीं जानती हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किशन जी वॉज एन एब्सोल्यूट लेजेंड इन इज ओन राइट। और आज उनकी बेटी मंशा भूटानी इज विद अस एंड हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे। और किशन जी के कुछ चाहने वाले, कुछ दोस्त उनकी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ किस्से साझा करेंगे। सबसे पहले, बिफोर वी गेट मंशा ऑन द स्क्रीन, वी हैव अ स्मॉल ऑडियो विजुअल, इंसिडेंटली जो मंशा ने ही बनाया है उनके प्यारे डैडी के लिए। सो लेट्स प्ले दैट ऑडियो विजुअल प्लीज, एंड आफ्टर दैट वील हैव अ लिटिल कॉन्वर्सेशन विद मंशा भूटानी। नमस्ते। कृष्ण भूटानी, जो एक नर्म सी मिट्टी बनकर अपने साथियों के अनुभवी स्पर्श से आए दिन नए से नए स्वर के जादू बिखेरते रहे। कृष्ण भूटानी, जिसे एक से बढ़कर एक अनुभवी साथी मिले, जिनका साथ पाकर कृष्ण भूटानी ने अपने जीवन में मुड़कर कभी नहीं देखा। सफर शुरू किया तो सफर चलता ही गया, फिर चाहे वो रेडियो कमर्शियल्स हो, एड फिल्म वॉइस ओवर्स हो, टीवी फिल्मों की डबिंग, रेडियो नाटक, फिल्मों के रेडियो प्रोग्राम्स, आकाश अनंत यात्रा जो एक बार शुरू हुई तो कभी रुकी ही नहीं, ढेरों रापा अवार्ड्स और आवा अवार्ड्स के अलावा, कृष्ण भूटानी ने 1995 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। परसों बरस विविध भारती पर चलने वाले रेडियो प्रोग्राम हंसी के हंगामे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। कृष्ण भूटानी की इसी यात्रा की कुछ झलकियां। दोस्तों नमस्ते। बॉम्बे, चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों का शहर। बॉम्बे, दौलतमंद लोगों की जन्नत। बॉम्बे, ग्लैमर और खुशहाली की जीती जागती मिसाल। इसी बॉम्बे की सरजमी पर हकीकत के रंगों से रची गई हालात के शिकार मजलूमों की दास्तान है सलाम बॉम्बे। बॉयज हॉस्टल नंबर 1 में रोज होता है एक नया हंगामा। देखे आज वहाँ क्या चल रहा है। नया लाइफ बॉय, एकदम सॉलिड। बच्चे, बूढ़े और जवान पहने यंग इंडिया अंडरवेयर, यंग इंडिया बनियान। आ गया मजा जिंदगी का। जिस फिल्म का हर अंगने में बहुत नाम हुआ वो है लावारिस। जिस फिल्म ने अपने पराए सभी का मन जीत लिया वो है लावारिस। मार्स प्लेनेट से बड़ी शान से उतरी एक स्पेसशिप अपने प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से धरती वासियों को आश्चर्यचकित कर देने के लिए। लेकिन मिस्टर हो, क्या भारत ने हमारी टेक्नोलॉजी खरीदी? सॉरी मिस्टर जो, मैं समझता था हमारी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन भारत के लोग तो बस ओनिडा कलर टीवी के दीवाने हैं। ओनिडा के मल्टी सिस्टम टीवी और अलग अलग साइज। स्टॉप इट, ओनिडा ओनिडा ओनिडा, यहाँ भी बस ओनिडा कलर टीवी और कुछ नहीं। चलो यहाँ से किसी और प्लेनेट की तरफ। ओनिडा कलर टीवी,
भविष्य की टेक्नोलॉजी लाए आज। कॉल ओनिडा ऑन शारजा, फोन 0655-126-33। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी है मौत की सीढ़ी। दोस्तों नमस्ते। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम अब आपके लिए ले आए LIC विक्रम वैताल कथा। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो की हर कड़ी में हम उपभोक्ता अदालत के निर्णय पर आधारित एक सत्य सफल घटना का नाट्य रूपांतर करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। 48 तत्वों वाला डाबर च्यवनप्राश आपके परिवार को अंदर से स्ट्रांग बनाए और छोटी मोटी बीमारियों से बचाए। डाबर च्यवनप्राश बनाए अंदर से स्ट्रांग। लीजिए दोस्तों, कृष्ण भुटानी फिर हाजिर है मनोरंजन का सामान लेकर, जिसे हमने नाम दिया है वीडियोकॉन रिपोर्टर। इस प्रोग्राम को पेश करते हैं वीडियोकॉन ऑडियो। This was this beautiful audio visual prepared by Mansha Bhutani. Mansha is on screen, but Mansha, we can't see you. Maybe your camera is switched. There you are. Hi, Mansha. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और you know, I've been a huge fan of Kishan ji growing up years. I've always heard him. कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका आएगा कि we'll have to remember him in his absence. So thank you for doing this, Mansha. Thank you for allowing us to celebrate his legacy at India Voice Fest. And Darpan ji, first of all, I'm sorry I'm interrupting you. I would like to, you know, thank you is a small word. The way Darpan ji, you've taken this initiative and you thought about it, or aapne is cheez ko ideate kiya, and the way you executed it, I really, really am grateful. I'm really, really thankful. And I'm sure, you know, Papa up there must be so, so, so happy. You know, and I am feeling so blessed to be a part of this, you know, to be a part of his legacy for that matter. So, huge thanks to you. Thank you. I really appreciate this. And Mansha, we have a few videos of a few people who've loved Kishan ji. And, but before that, कुछ आप कुछ बातें बताइए ना आप। प्रोबेबली अगर मैं आपको, यू नो, देर आर सो मेनी थिंग्स, पर मैं कुछ चीजें जो मैं अभी सोच रही थी, आई वाज जस्ट, यू नो, आई वाज जस्ट रिकॉलिंग डाउन द मेमोरी लेन। सो एक उनका हमेशा एक अंदाज रहता था, वेर ही यूज्ड टू जस्ट, यू नो, ही वाज like a workaholic into 100, for that matter. I think 100, मैं exaggerate नहीं कर रही हूँ, और 100 शायद वो गुस्सा हो रहे होंगे मुझे ये सुन के कि मैं सिर्फ 100 लगता हूँ तेरे को, you know, that kind of, I think it was, I don't know to what level, but I'm really not exaggerating. So उनका मतलब ऐसा होता था कि even on Sundays, like one after the other, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, and somewhere, you know, we used to feel like, oh my God, एक मैं आपको छोटा सा, it's like a very small incident. एक बार हमारे घर लाइट गई हुई थी, रात के 2:30 बजे थे. So his, you know, schedule at that time was कि हम रात को ना घर का, like the studio that, you know, he had Audio Villa, वहाँ पे तो of course काम जो वहाँ पे चलता था, apart from that, his commercials outside, तो जो घर का landline phone था, वो हम ऐसे नीचे रख के सोते थे, लाइक यू नो कि रात के 2:30-3 बजे फोन ना बजे, एंड अगर फोन बजा भी, ही विल पिक अप द फोन एंड इमीडिएटली गो टू वेरेवर ही हैज टू गो, टू व्हाटएवर स्टूडियो ही हैज टू गो। एंड प्रोबेबली आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल, यू नो, इट्स लाइक इट्स सच अ कोइंसिडेंस, यू नो, इन सोनी व्हेन आई वाज वर्किंग with one of my, you know, coincidentally, she turned to be one of my boss in one of my teams. Her name is Sujata. Okay, so Sujata Memlani.
यस यस सो शी हैपन टू वर्क विथ हिम एंड उन्होंने उनके बारे में बताया एक इंसिडेंट दैट प्रोबेबली यू नो देयर वाज अ करेक्शन इन द वॉइस ओवर व्हिच दे हैड डन फॉर अ यू नो व्हिच दे हैड डन फॉर एन एड किसी और वॉइस ओवर को उन्होंने लगा दिया था बिकॉज पापा वॉज नॉट इन टाउन तो वो क्लाइंट की तरफ से रिजेक्ट हो गया एंड दीज पीपल वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा कोई क्रिएटिव तो रिजेक्ट हो नहीं सकता एंड वो रिजेक्ट हो गया और उनको धक्का लगा कि अरे ये क्या हुआ सो द क्लाइंट सेड कि आई वॉन्ट दैट वॉइस ओनली सो इनको समझ में आया कि ओके नाउ वील हैव टू कॉल हिम एंड वील हैव टू टेल हिम कि आप प्लीज हमें हमारी डूबती नैया पार लगा दो दैट्स व्हाट यू नो दीज वर द वर्ड्स दैट शी यूज्ड एंड ट्रस्ट मी आई एम गेटिंग गूज़बम्स अभी भी when I hear from people मैं exaggerate बिल्कुल नहीं कर रही हूँ I you know I get goosebumps all the time you know when I hear the stories that of course as a child I never knew because things you know things just happened for us so me I have a younger sister so for the two of us it just happened it was God's grace and his hard work that you know he never looked back like one after the other तो Sujata ma'am ने ये बताया कि उन्होंने उनको phone किया he was in Delhi shooting for something उन्होंने बोला आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा मैं 3 दिन सो दे वेटेड फॉर हिम फॉर 3 डेज एंड दे पार्क्ड दैट क्रिएटिव ओवर देयर एंड मुझे उसी से गूज़बम्स आ गए आई सेड वाओ यू वेट फॉर समबडी लाइक दिस लाइक हाउ यू नो हमारे इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि इमेजिन डूइंग दैट टुडे फॉर एनीवन राइट कांट आप सोच भी नहीं सकते हैं तो मतलब बैक टू बैक उन्होंने बोला हमने तो बोला कि आप किशन जी आएंगे सो वी विल ओनली टेल हिम बट ट्रस्ट मी दिस इज दीज वर हर वर्ड्स शी सेड कि वो जिस दिन मुंबई आए ही लैंडेड इन मुंबई ही केम डायरेक्टली टू द स्टूडियो घर नहीं गए वो ही केम डायरेक्टली टू द स्टूडियो ही रिकॉर्डेड फॉर देम कि आपका काम ऑलरेडी मेरी वजह से लेट हुआ है अब आपका काम डिले ना हो एंड देन ही केम बैक ऑफकोर्स वी ऑल डिड नॉट नो ऑल दिस So this is just one incident that's happening. Amazing, you know, amazing. That has happened. So aise kahi hue hain jo I don't know. I mean, you know, it gives me just goosebumps. Aur main bolti hu na ki agar ek inch bhi agar unke so I'm also, you know, trying in voicing and dubbing, you know, as of now, apart from the creative director field. So I've started approaching, but main agar ek inch bhi ban jao, so it would, I don't know to what level I would be, you know, seriously. That's a very proud daughter speaking. But at the same time, ये जो छोटा सा incident आपने बताया, it's you know it's such an inspiring, inspirational thing for youngsters today, especially जो इस काम में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं. You know this is what makes artists like Kishan ji great. क्योंकि क्या होता है बाहरी दुनिया इस काम के glamour को देखती है कि oh he's such a hot shot voice artist or actor. But sometimes they fail to see the hard work that they've put in, the kind of commitment. Is chote se incident se hi pata chalta hai what a committed man he was to his craft. And I think that's a huge takeaway for people who are watching this today. So Mansha, ek baat bataiye, you know, he had a golden voice. He didn't have a regular voice. So growing up, you know, and he was a star. The star voice, or so growing up as a little girl, how did you take that? Did people know that you are, oh, you're Kishan Bhutani's daughter? Or when you spoke to him, did you have that realization that there's something very special about his voice? So like one incident, jaise aapko maine Sujata ma'am ka bataya, and that's what you know, that's what happened in Sony, that you know, she came to know from somebody that you know, he's my father, and somewhere I feel like blessed into 100 when I hear this. Meko matlab man mein aise hota na ki I somewhere feel so good about it, that you know, that kind of legacy he set and the hard work behind that. जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बताया था दैट वो शुरू में जब मुंबई आए थे, सो देयर वाज अ टाइम जब उन्होंने 2 दिन रेलवे स्टेशन पे ही हैड स्लेप्ट because he had missed the train that time and he did not have money to go by any taxi or however, so he had slept on the station that night and probably the next you know jab tak unko jane ka sadhan nahi mila. So you know, these kind of small things really imprinted in my head. And you know, of course, as a kid I have done like voicing with him in the studio, of course, for the radio show Hansi Ke Hangame, that was mentioned. So as so as a you know, as an artist that time, I was like, ek hota na ki ha chalo
एक मजा आएगा. दैट टाइम यू नो द थॉट प्रोसेस वाज वेरी डिफरेंट. चलो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, वी आर गोइंग टू डू दिस. सो मी, माय कजिन एंड माय सिस्टर, ऑल थ्री ऑफ अस यूज्ड टू रिकॉर्ड फॉर दैट शो. एंड प्रोबेबली हम जब करने जाते थे, ही वाज लाइक ऑन टोज. हमने उनको लाइक फॉर दैट मैटर आई हैव नॉट सीन हिम इन हिज इन ऑल हिज रिकॉर्डिंग्स इफ ही हैज गॉन टू अदर स्टूडियोज ऑल्सो. सो आई सो एक चीज तो ये मेरे को उन्होंने क्या क्या बोला था ना. सो आई वॉज अ पर्सन हु इफ आई मेड मिस्टेक, सो ही इज वन लुक. सो ही यूज टू बी स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड व्हेन आई यूज टू रिकॉर्ड. हम जब बबूत माइक पे मैं बोल रही होती थी, सो आई यूज टू नॉट फियर हिम दैट वे. बट काम के टाइम द काइंड ऑफ सिंसियरिटी, वो सिंसियरिटी का मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो लुक आएगा ना. ही नीड नॉट से एनीथिंग, बट दैट लुक लाइक यू नो ही यूज टू वेयर द स्पेक्स, और उस स्पेक्स से ऐसे करके एक लुक आता था. दैट जस्ट वन लुक एंड आई एम गॉन. और मुझे ऐसा लगता था अब तो मुझे घर जाके लाइक यू नो आई एम इट्स गोना बी लेफ्ट राइट एंड सेंटर. बट यू नो ही यूज्ड टू ऑलवेज ऑलवेज इनकरेज मी. कभी मुझे उस तरीके से ही नेवर डीमोटिवेटेड मी. ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी व्हेनेवर यू आर इन फ्रंट ऑफ द माइक, डोंट फील कि आपके सामने कौन है. ऑफ कोर्स आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू गेट कॉन्शियस, या मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं बोला, अगर मैंने ऐसा नहीं बोला सो कैसे यू नो हाउ विल ही रिएक्ट. बट ही यूज टू ऑलवेज टेल मी कि फॉरगेट, सोचो कि सब खाली है, एंड फील, एनालाइज एंड फील व्हाट यू आर सेइंग, एंड जस्ट डोंट फील कि मेरे सामने कौन कौन है, मेरे सामने कौन है, कौन सुन रहा है. सो दैट यू नो ही टोल्ड मी, एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड दैट टाइम. बट जिस तरीके का उनका स्टूडियोज में जाना, एंड प्रोबेबली वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम वॉज ऑफकोर्स द यू नो वाइल गिविंग एनी टेक. नॉर्मली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन यू नो आज की डेट में इफ आई यू नो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन टू वॉइसिंग इंडस्ट्री, एंड आई वर्क विद देम ऑल्सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन, एंड आई एम नॉट बींग बायस्ड एट ऑल, बट समवेयर आई सी दिस एज अ लैक कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मांग लेते हैं ना, सो इट्स लाइक हाँ मैंने वो दिया था, आई गेव दैट टेक दैट डे, मैंने वो एक ऑलरेडी दिया था. सो आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट व्हाट आई सॉ इन हिम वाज आई सी इट्स नॉट. सो आई रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, बट द थिंग इज व्हेन सो समवेयर यू नो व्हाट आई सॉ इन हिम वाज व्हेन ही यूज्ड टू गिव. अच्छा, इवन इफ यू आर नॉट आस्क्ड फॉर, ही विल से आई विल गिव दिस वन वे, एक ये वे देता हूं, एक ये वे देता हूं. सो थ्री टेक्स ऑन हिज ओन लाइक विदाउट इवन आस्किंग. And those three takes are like in 2 minutes. Of course, that was God's grace and His way of working. आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी. It's a very you know small incident that way. हम जब रात को 2 बजे गए थे, I told you light चली गई थी, recording के लिए गए थे. That call came at 2 in the night, and हम सब चले गए साथ में. It was in Bandra, Purple Haze Studio में था. So Papa went, and when he came back in 5 minutes, 5 मिनट में आ गए. So you know. ऐसे हमने मजाक किया, दैट हैव यू डन द रिकॉर्डिंग, किया है या नहीं किया है. सो ही स्टार्टेड लाफिंग, एंड प्रोबेबली दैट्स द वे ही वाज. ही यूज्ड टू, सो ही वाज बिफोर शेड्यूल. ही वाज नेवर एवर लेट टू एनीवेयर प्रोबेबली. और कुछ कभी मैंने आई हैव नेवर सीन हिम लाइक यू नो whiling away time here and there. It's not about whiling away time, but the kind of sincerity, because he had things lined up one after the other. And of course, he used to always prefer that script jo hai wo Hindi mein likhi jaye. Ab jo aaj ki date mein kya hota hai, we all are English and Roman wale jo hote hai na, so he used to get very angry on it. He used to even if the script was in Roman or in that English, he used to sit or you know somewhere take his 5 minutes, translate in Hindi and then go and record. So jo audio villa mein humne matlab yahi cheez unse, of course that made my Hindi much better. He was my Hindi teacher also, you know, for that matter. I never took Hindi tuitions. It was God's grace that you know Hindi and Sanskrit were, you know, he always guided me for it. No, I have to compliment you for this, Mansha. You know, main to 500 producers or creative logo ke sath kaam karta hu. aapki hindi bahut saaf hai. और दूसरी बात, यू नो, आई विल अग्री कि व्हेन यू टेल पीपल कि यू आर किशन भूटानीज डॉटर, पीपल स्टार्ट गशिंग. आई यू नो हाउ आई वाज गशिंग व्हेन आई रियलाइज यू आर किशन जीज डॉटर. आई वाज गशिंग एंड
एंड हाउ. सो आई कैन टोटली यू नो गेट दैट. और आपने जो बात बोली कि जब आप व्हेन यू वर अ लिटिल गर्ल और वो रिकॉर्डिंग के लिए गए, 5 मिनट में आ गए, तो ये तो किस्सा होता है हम सब, क्योंकि ये किस ये बातें होती हैं. जैसे मुझे याद है व्हेन माय सन वाज अ लिटिल बॉय और मैं रिकॉर्ड करके आया और मेरे स्टूडियो में वो था और आई जस्ट वेंट इनसाइड, ही सेड अरे यू 2 मिनट में तो कर लिया आपने, इट्स सो सिंपल. तो मैंने कहा बेटा इसको 2 मिनट में करने के लिए 20 साल से मेहनत की है. सो दिस इज अमेजिंग. आपने हंसी के हंगामे की बात की मंशा, तो हंसी के हंगामे मैं बताऊं, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वाज सो फॉन्ड ऑफ दैट शो. इट्स अ पिटी कि आजकल ऐसे शो नहीं बनते हैं, वो सिंप्लिसिटी नहीं है. पर उस दौर में उनके साथ नीता वाजपेयी बहुत काम करती थी एंड ये लोग बहुत यू नो करीब थे. तो वी हैव नीता विथ अस थ्रू अ वीडियो मैसेज मंशा, तो आई रिक्वेस्ट माई टीम टू प्ले नीताज मैसेज प्लीज. नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे. आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट वॉइस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट योर पर्सनालिटी मेक्स ऑन एनीबॉडी. हाय माय वॉइसिंग फोक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट इन इंडिया वॉइस फेस्ट. टुडे वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू द वेरी वेटरन वॉइस आर्टिस्ट किशन भुटानी जी. किशन जी एक बेहतरीन आवाज तो थी ही उनकी, मगर उससे ज्यादा बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. उनकी आवाज में उनका व्यक्तित्व झलकता था. हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं उनके लिए, विविध भारती के लिए, और आए दिन उस समय 80s 90s के दशक में सभी लोगों ने उनकी आवाज विविध भारती FM वगैरह पर सुनी होगी. मुझे याद पड़ता है हंसी के हंगामे कार्यक्रम जब हम उनके साथ करते थे, जोक से भरा कार्यक्रम था, तो जो हंसी से लोटपोट हम स्टूडियो के अंदर होते थे उतने ही स्टूडियो के बाहर भी हुआ करते थे. लेकिन उसके बावजूद जैसे ही हम माइक पर आते थे, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही एक सीरियसनेस के साथ हम जोक्स बोलते थे, क्योंकि हमारी आवाज का जो थ्रो है वो ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, जो इमोशंस हैं, जो कैरेक्टराइजेशन है वो पहुंचना चाहिए. और ये सब हमें, मुझे खास तौर पर उनके साथ सीखने को मिला. आपका उच्चारण सही होना चाहिए और आप किस मूड में बोल रहे हो, जोक है, चुटकुला है, तो उसी शिद्दत से आप उस कैरेक्टर में डूब जाओ ताकि वो कम अक्रॉस होए हमारे ऑडियंस से. और ऐसे कई 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 एपिसोड्स हमने हंसी के हंगामे किए हैं, जिसे मेरे ख्याल है लिंका या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज है. हमने कई कार्यक्रम किए, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले किशन भुटानी जी की एक खासियत थी कि कभी भी आपके बारे में फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते थे, नीता कैसी हो, ये पूछते थे नीता कैसी हो, पहले मुझे बिल्कुल डिटेल में बताओ, नॉट फॉर फॉर्मेलिटी. सो दैट वाज नीता वाजपेयी. और कुछ और भी लोग हैं मंशा हमारे साथ, नीरजा माथुर और तरुण माथुर, नीरजा जी और तरुण जी भी हैं, और स्वाति सुब्रमण्यम स्वाति जी, उन्होंने भी एक बहुत प्यारा वीडियो भेजा है. तो आप कहें तो स्वाति जी का वीडियो प्ले करें. किशन जी, किशन भुटानी जी से मेरा पहला परिचय हुआ रेडियो वाणी में. रेडियो वाणी शायद 1990 में मैं वहां पहली बार गई थी और वहां पे ढेर सारा काम हुआ करता था, रेडियो प्रोग्राम्स खासकर, और दिग्गज कलाकार जैसे अमीन जी, मनोहर महाजन, सरिता सेठी, पुष्पा सक्सेना, विष्णु शर्मा, ऐसे हिंदी के महान कलाकार वहां पे आया करते थे और किशन भुटानी जी उनमें से एक थे. तो मराठी के अलावा मैं हिंदी में अच्छा बोल सकती हूँ, ये आत्मविश्वास मुझ में जगाया स्वदेश जी, रेडियो वाणी के और ऑडियो विला के किशन जी. ढेर सारा वो लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते थे और उनका हिंदी का लहजा इतना साफ और सुंदर था. उनको ऑब्जर्व करके मैं काफी बहुत बहुत कुछ सीख रही थी. मुझे याद है मेरी एक लाइन थी, इससे बेहतर क्या हो सकता है. तो तुरंत उन्होंने रिकॉर्डिंग रोकी और मुझसे कहा, स्वाति जी हम भले बेहतर लिखते हैं लेकिन आपको बोलना है बेहतर.
तो इतना उनका माइन्यूट ध्यान हर बात पे होता था। बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगी, एकदम जेंटल सोल, भावुक मन था उनका, लेकिन बहुत भव्य काम करने की उनकी मंशा थी। उनको बहुत मिस करती हूँ। इन्होंने एंड भी किया मंशा वर्ड के साथ। लवली। सो मंशा, आप भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई हैं एंड यू वर्क विथ आर्टिस्ट ऑल द टाइम, ऐसी क्या एक क्वालिटी किशन जी की, इतनी क्वालिटीज एज अ प्रोफेशनल एंड यू एज अ डॉटर वुड वांट टू थिंक ऑफ, बट इफ आई आस्क यू दैट वन क्वालिटी व्हिच यू वुड वांट यंगर आर्टिस्ट्स टुडे टू इम्बाइब फ्रॉम किशन जी? सो सी, जैसा कि मैंने कहा, सबका, सारे आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, तो एक मैं पापा का ही एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी, वेयर ही probably wanted that अगर हम कहीं किसी को, if suppose we've gone somewhere and if we hear somebody singing, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो होता है ना, people are having their band and then they are singing वहाँ पे कहीं किसी restaurant में or whatever for that matter. So अगर उसने गाना ख़त्म किया तो he used to always clap and he used to encourage us also to do the same. Reason being, he said वो artist है, वो मेहनत कर रहा है. So respect him. So this is one thing that, again imprinted in my head. Of course, he was a person, jaise, apart from work, he respected each and everyone. And this thing he, made us, he gave this teaching to us that, always appreciate and always, always respect the artist. Because wo बहुत अपने वो क्या क्या करके वहां आया है और वो कर रहा है वो ही जानता है. सो नेवर अंडर एस्टिमेट. दिस इज समथिंग दैट वी लर्न. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, द वन थिंग दैट यू आस्क मी फॉर विल ऑलवेज बी द सिंसियरिटी, द डेप्थ एंड द डिटेलिंग. एक जो काम से जेन्युइन प्यार होता है ना, कि he used to never treat his काम as काम. कभी भी काम उनके लिए काम नहीं हुआ. I never ever saw him tired. Be it 12 in the night, 1 in the night, किसी भी वक्त उनको मैंने कभी भी थका हुआ नहीं देखा. And in spite of having back to back, commitments. So that is something, उनकी जो spirit, उनकी जो positivity, उनका जो energy level था, that was contagious. It was just contagious. Mm-hmm. And respecting whatever he is like, jaise Rashi ji ne bhi isse pehle bola, respecting, loving what you are doing is something will take you, to a place where you've not even imagined. But then that should not be, see, money is definitely a factor. Is everybody has a big focus on it, aur wo hona bhi chahiye, I feel that's not wrong. But then wo commitment, the love towards your work, ki ye mujhe kaam karne ke liye karna hai aur I genuinely am in love with what I'm doing, that sincerity, that pureness for your job, whatever you're doing. Amazing. What a beautiful thought. I think kitna important hai na, especially aaj ki tareekh mein aur aaj ke daur mein, jahan par sometimes we see people chasing quick success. Aise mein, it is such a wise thing to imbibe these learnings from our seniors. Wo yun hi nahi legend bane hain. So it is so important to love your work, not merely as your work, but make it a passion. Be sincere about what you're doing. And ek bahut achhi baat aapne kahi ki get into detailing. ऊपरी तौर पर मत काम करिए, जो आजकल कभी कभी हो जाता है, क्योंकि देर इज सो मच सच समटाइम देर इज सो मच फ्लेकी स्टफ हैपनिंग, कि हमको लगता है कि यार हमने थोड़ा सा कर लिया और हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए. ऐसे में बड़ा ज़रूरी है हमारे दिग्गजों से ये सीखना. सो ये आपने बहुत कमाल की बात कही मंशा. आई रियली होप कि मैं ये कहूँगा कि किशन जी की तरफ से ही ये बात आ रही है सारे यंगस्टर्स के लिए, एंड आई होप दे रिमेंबर हिम दैट वे.
Mansha, I'm going to now play Tarunji and Nirja ji's video. Sure. Krishan Bhutani, mera dost, Delhi ka dost, Bombay ka sahyogi. Jab wo Bombay mein aaya tha, us waqt hum dono ne bahut waqt saath guzara tha. Wo struggle kar raha tha voicing ke liye, acting ke liye, aur main naukri kar raha tha Doordarshan mein. Krishan ke saath ek bahut achhi baat thi. वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था, बहुत मीठी आवाज़ थी. मेरे फादर उसकी आवाज़ के बारे में अक्सर कहा करते थे, उसकी आवाज़ कच्ची मिट्टी की तरह है, जिस तरह चाहो ढल सकती है. और ये खूबी उसने प्रूव करके भी दिखाई. वो बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा आवाज़ का मालिक था. कृष्ण के साथ सबसे अच्छी बात थी, वो परिवार के लिए एक बहुत अच्छा पति पिता था और दोस्तों के लिए बहुत अच्छा दोस्त था. हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा. मैं तो एक ही बात कहूँगा, आवाज़ें कभी मरती नहीं. कृष्ण की आवाज़ उस वक्त भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है. आवाज़ें तो यूनिवर्स में फैलती हैं, आवाज़ें तो जिंदा रहती हैं. कृष्ण रहे ना रहे, उसकी आवाज़ रहेगी. और जिसकी आवाज़ रहती है वो कभी मरते नहीं, वो कभी जाते नहीं. कृष्ण कल भी था, आज भी है. मैं दुआ करूँगा कि कृष्ण बार बार हम उसको सुने, कृष्ण की आवाज़ को सुने. और मैं ये भी दुआ करूँगा कि कृष्ण को प्यार करने वाले जो सब लोग हैं उनके जहन में कृष्ण रहे, हमेशा रहे. कृष्ण भुटानी और मैंने अपना आवाज़ की दुनिया का करियर लगभग एक ही साथ शुरू किया था. 1973 या 74 की बात है, जब दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में युवानी विभाग शुरू हुआ था. मोस्टली युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये बहुत अच्छा मंच था. तो हम लोगों ने कई कार्यक्रम एक साथ किए थे, पत्रों के उत्तर, नाटक, और अच्छी जान पहचान हो गई थी हम लोगों की. बाद में वो मुंबई आ गए थे, अपना स्ट्रगल कर रहे थे वॉइसिंग की दुनिया में. और कुछ साल के बाद मैं भी आ गई थी शादी के बाद. यहाँ एक बार फिर हम लोग मिले और पुरानी यादों की तरह एक बार फिर हम लोगों ने रेडियो के लिए बहुत से कार्यक्रम साथ में किए थे. और इतना अच्छा लगा जो उनकी आवाज़ थी, मुझे तो बहुत सीखने को मिलता था उनसे. बल्कि वो कहते, क्या बात कर रही हो तुम, मुझसे क्या सीखने को मिलेगा. मैंने कहा नहीं, डेप्थ और जो वेरिएशंस तुम देते हो, इतनी सूदिंग और डीप आवाज़ है तुम्हारी. और अलग अलग भाषाओं पे भी उनका अच्छा ज्ञान था, संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत अच्छा वो बोलते थे. पंजाबी तो खैर उनकी मातृभाषा थी, उसमें तो बहुत अच्छा करते ही थे. हम लोगों की दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक नहीं रही, हम लोगों के पारिवारिक संबंध भी हो गए थे. उनकी फैमिली और मेरी फैमिली बहुत ही क्लोज हो गए थे. वो जो उनकी आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ मुझे लगता है बहुत कम लोगों की होगी. और आवाज़ के सहारे आज भी वो हमारे बीच में हैं, भले शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में रहेगी जिंदा. How beautiful. Both of them spoke so well. My compliments. So, Mansha, it has been so lovely interacting with you and finally putting a face to our conversations. And we have a little memento. It says, in loving memory of Shri Kishan Bhutani. Oh, how nice. We will get this sent to you, and I hope it gets a pride of place. Absolutely. And this is our little way of remembering the giant of talent and the genius of voice that Kishanji was. And I'm sure for a long time to come, people will remember him, try to emulate him as an artist and as a person. And once again, I would really, really, from the bottom of my heart, thank you and your team for this initiative and for all the coordination. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mansha. Thank you. And bye-bye. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye.